आरोग्य जागृति। चारों तरफ कोरोना का हाहाकार मचा है। पूरे देश की मानव जाति मजहब और जात पात को छोड़कर एक दूसरे की मदद करने में लगा है, ये सोचकर कि ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, तो अपने आप को सुधार लो। दोस्तों, औरंगाबाद के एक बहुत ही सीधे और तीखे सवालों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांति कुमार जी जैन, कांति कुमार जी जैन ये पोल खोल इस न्यूज़पेपर के संपादक है। इसके साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। ये हमेशा से आम जनता के बुनियादी मुद्दों को और सवालों को उठाकर अपनी कलम से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कांति कुमार जैन जी ने आज भी एक ऐसा ही सवाल राज्य और केंद्र सरकार से किया है। खबरों में हम रोज देखते हैं ईमानदार डॉक्टर 2400 घंटे जनता की सेवा में लगे हैं। सच में आज की इस मुश्किल घड़ी में जीता जागता ईश्वर अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। लेकिन ऐसी वैद्यकीय आपातकाल स्थिति में भी कुछ डॉक्टर्स अपने जेबें भरने का घिनौना काम कर रहे हैं। इन दिनों प्राइवेट कोविड सेंटर बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी शॉपिंग मॉल में। यहाँ मरीजों के स्वास्थ्य के साथ घिनौना खेल चल रहा है, मनमानी फीस वसूली जा रही है। यहाँ डॉक्टरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, स्टाफ की कमी, दवाइयों की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन उसकी कीमत के 10 गुना दामों में। क्या चल रहा है ये? क्या सरकार को ये दिखता नहीं, या सरकार इसे जानबूझकर अनदेखा कर रही है? हम सरकार से और डॉक्टरों से विनंती करते हैं, इस समय राजनीति से उठकर इन बेबस लोगों की तकलीफ और इनके आंसुओं को समझने की कोशिश करें। जरा सुनिए कांति कुमार जी जैन क्या कह रहे हैं, इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने चार दोस्तों में शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल, RPI अठौले प्रदेश कार्याध्यक्ष। जो हम सवेरे से उठते ही तो रात तक क्या देखते हैं, तो मीडिया पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, और टीवी पे सिर्फ एक ही चल रहा है, कोरोना। दूसरी न्यूज नहीं चल रही है। और इसका फायदा कौन ले रहा है? कुछ धंधे वाइक, जो उनको आज जिसे मराठी में कहते हैं मेलेला मुर्द्याचा टाळूवरील लोणी खाणार आहे। इसका मतलब है दोस्तों, आज कोविड सेंटर बना रहे हैं, कोरोना सेंटर बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? कोरोना सेंटर की वहां पे फैसिलिटी क्या दी जा रही है? MD डॉक्टर है, ऑक्सीजन है उनके पास में, कोई उसकी सब दवाइयां है, पूरी सुविधा है, यह कोई नहीं देख रहा है। जो भी कोई आते हैं, हॉस्पिटल वाले चेकिंग को आते हैं, उनके जेब भरे जाते हैं दोस्तों। और इनके धंधे पे इधर लोग मर रहे हैं। जब मोबाइल खोले जाता है तो मोबाइल पे इसको श्रद्धांजलि, उसको श्रद्धांजलि, मेरा भाई गया, मेरा मामा जी का लड़का ऐसा हुआ, उनको एडमिट किया है, रोज कैसे न कैसे वो खबरें और वो टीवी पे खबरें, यह देख देख के दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। और उसमें ये जो चोर दलाल पेट भरने वाले हमारे ऊपर पेट भरने वाले लोग जो कर रहे हैं, मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जहां जाना है अच्छा डॉक्टर देखिए, अच्छे केंद्र पे जाइए, अच्छा अस्पताल देखिए, जिस डॉक्टर के तरफ से ये दिमाग में से निकाल दीजिए, कहीं हमें लूटे जा रहा है क्या? लूटने वाले लोग कौन है पहले ये देख लीजिए। आज भी औरंगाबाद शहर में एक से एक डॉक्टर, एक से एक अस्पताल है। जरूर वहां पे थोड़ी सी फीस ज्यादा लेते होंगे, लेकिन जब तुम कपड़ा लेने को दुकान में जाते हो तो पहले बोलते हो इसका कलर तो नहीं जाएगा ना, माल तो गारंटी है, लेकिन वहां पे जाने के बाद में आपके जान की तो गारंटी है दोस्तों। ऐसे अस्पताल है, ऐसे डॉक्टर है, जैसे कि सिग्मा हॉस्पिटल डॉक्टर टाकड़कर है, लोग जिसे भगवान का रूप देते हैं, कहते हैं
ऐसे बहुत से डॉक्टर है, बहुत से अस्पताल है, मैं किसका नाम लूं, लेकिन यहां पर कुछ लोग सिर्फ धंधा करने बैठे हैं दोस्तों। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। जहां पे कोविड सेंटर खुले वहां पे एमडी डॉक्टर तक नहीं है। अभी अंदर बीच में कुछ न्यूज आई थी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में वैजापुर तालुका में, डॉक्टर अग्रवाल कौन है ये? यहां पर एमडी डॉक्टर नहीं उस वैजापुर में, उसकी एक विजिट लगाते हैं, विजिट के ऊपर में वो डॉक्टर पैसा लेके जाता है। क्या है ये? कलेक्टर साहब आप क्या कर रहे हो? आपके पास में इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन बराबर पहुंचते हैं क्या? खुलेआम औरंगाबाद में इंजेक्शन का काला बाजार हो रहा है, 20,000 से 30,000 रुपए तक इंजेक्शन बिके जा रहा है। ये इंजेक्शन कहां से आ रहा है? अगर कलेक्टर ऑफिस में ही कलेक्टर साहब के अंडर में इंजेक्शन आते हैं तो फिर ब्लैक कहां से हो रहा है? कहीं आपके लोग तो उनसे मिले जुले नहीं है? खुलेआम आरोप करता हूं मैं। हाँ दोस्तों, बहुत भयानक भयानक और बहुत ही बेकार कंडीशन हो चुकी है दोस्तों। आज पेशेंट को वक्त पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्या ऑक्सीजन के हालात हो चुके हैं? क्या ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं? आज डॉक्टर को देवदूत ही कहना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग डॉक्टर की पेशी को कलंक है, यह भी मैं बोलूंगा, जो नकली है नकली कहूंगा मैं। ऐसे कोविड सेंटर से बचिए, और कलेक्टर साहब ऐसे कोविड सेंटर जो चल रहे उसके ऊपर में आप वॉच करिए, आपकी एक टीम इसके ऊपर में काम करना चाहिए, इतना मैं कहूंगा। बस ये जो नोट छापने वाले अपने पेट भरू लोगों के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। आज बड़े बड़े लोगों को अस्पताल मिल जाते हैं। मैं एक आरपीआई का नेता हूं, मैं गरीबों के पार्टी में काम करता हूं। गरीबों पे क्या बीतती है? एक वड़ा पाव भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। लॉकडाउन क्या है? मैं यहां तक कहूंगा कि लॉकडाउन जैसा पिछला लॉकडाउन था वैसा ये लॉकडाउन नहीं है। क्या करेंगे? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कहां से? अगर इधर जिएंगे तो इधर कोरोना से मरेंगे, अगर लॉकडाउन पूरा कर दिया तो उधर भूख से मरेंगे। ऐसी हालत एक सैंडविच की तरह आम पब्लिक की हालत हो चुकी है, और राजनीति वाले राजनीति करते हैं दोस्तों। बस मैं इतना जरूर बोलूंगा, इनको कुछ लेना नहीं है राजनेताओं को, चाहे बीजेपी रहो, सत्ताधारी रहो, एनसीपी रहो, इनको अपने खुर्ची की पड़ी है। देख लीजिए अब इलेक्शन के रिजल्ट चालू, जैसे ही रिजल्ट आएंगे ये मीडिया वाले को तुम्हारे को फिगर नहीं बताने वाले हैं। आज सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हमें सब कुछ दिखता है दोस्तों। बस मैं यहीं पर रुकूंगा, और मैं वापिस एक बार कहूंगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे अस्पताल में जाइए, अच्छा इलाज कीजिए। ये कोविड सेंटर क्या है इसके बारे में पहले पूरी सोच समझ करके ही इसके अंदर में प्रवेश कीजिए, इतना जरूर कहूंगा। अपने जान की सलामत, क्योंकि आपका परिवार है, अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो परिवार का सोचिए, इसलिए सोचिए संभलिए। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। नमस्कार।